हमारे पास है ग्रुप साइज, कि साइज की बेसिस पे ग्रुप को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, साइज की बेसिस पे छोटा है बड़ा है किस तरह से। तो हमारे पास जॉर्ज सिमल, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं जॉर्ज सिमल, जिन्होंने डिवाइड किया है ग्रुप को डायड और ट्रायड में, ठीक है। डायड कौन से ग्रुप हैं, जो जिसके अंदर दो मेंबर्स हैं, दो जो लोगों का जो ग्रुपिंग होगी, दो लोगों की जो एक ग्रुप बना होगा उसको डायड कहेंगे, दो से ज्यादा जितने भी लोग होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, उसको ट्रायड कहेंगे, ठीक है, दो से जो ज्यादा लोगों का ग्रुपिंग होगी। तो साइज कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है लोग किस तरह से ताल्लुकात उनके दरमियान में मौजूद हैं, वो इंटरेक्शन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। डाइट क्या है, सोशल ग्रुप विद टू मेंबर्स। सिमल एक्सप्लेन दैट सोशल इंटरेक्शन ऑफ डाइट इज यूजली मोर इंटेंस देन ए लार्जर ग्रुप। अगर दो लोगों की ग्रुपिंग बनी हुई है तो उनके दरमियान में ताल्लुकात बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होंगे, वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि दो ही है ना, तो वो एक दूसरे की तरफ ही तवज्जो दे रहे हैं, वो किसी और की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। इसलिए अगर उन्होंने इस ग्रुप की जिंदगी के लिए काम करना है, उसकी ग्रुप की सर्वाइवल के लिए काम करना है, तो वो दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक भी इनमें से चला गया ना तो वो ग्रुप तो रहेगा ही नहीं, राइट। तो डाइट क्या है, दो लोगों का मजमुआ, वो हमारे पास डाइट ग्रुप कहलाता है, क्योंकि अगर उन दोनों में से एक भी चला गया, अगर उन दोनों में से एक भी उसने ग्रुप को छोड़ दिया, तो वो डाइट नहीं, वो ग्रुप ही नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ने एग्जाम्पल दी हुई है मैरिज की, मैरिज के अंदर दो लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, दिस इज एन डाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, ये लीगल है, ठीक है, इकोनॉमिकली इसको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, लीगली भी सपोर्टेड होता है, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट मिल रही होती है। ये कह रहे ना कि डायड है ना, दो लोग हैं तो वो आपस में एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, और ये फायदा कैसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीगल सपोर्ट दे रहे होते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे होते हैं, और या फिर रिलीजियस की बेसिस पे ये लोग इकट्ठे होते हैं इस डायड में, ठीक है। ट्रायड क्या है, एक मिनट, ट्राइड अ सोशल ग्रुप विद थ्री मेंबर्स, ठीक है। ट्राइड क्या है, सोशल ग्रुप जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या है, थ्री है, तीन लोगों की जो ग्रुपिंग है, मेंबर्स होते हैं, वो हमारे पास ट्राइड कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को उन्होंने जोड़ के रखा होता है, राइट। अब दो जो डायड है वो ज्यादा खतरे पे है, क्योंकि अगर उसका एक भी मेंबर चला गया तो वो ग्रुप तो नहीं कहलाएगा, ट्राइड इतना ज्यादा खतरे पे नहीं है, क्योंकि अगर इन दो तीनों में से अगर एक चला गया तो ग्रुप तो वो रहेगा ही, बस उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा कि वो ट्राइड से डायड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइड स्टेबल होता है ज्यादा, वो उसकी लाइफ रहती है, वो ज्यादा अभी कह सकते हो कि उसकी मुद्दत रह सकती है, इस वजह से, क्योंकि अगर दोनों के दरमियान झगड़ा भी हो जाता है ना ट्राइड में, तीन लोगों की मेंबर की ग्रुपिंग जो बनी हुई है, अगर इन तीनों में किसी के दरमियान भी अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो वो क्या करेंगे कि वो एक जो मेंबर है वो उन दोनों के दरमियान उस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होगा कि इतने इस तरह से स्ट्रांग नहीं होते जितना डाइट के लोगों के दरमियान में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन ग्रुप साइज रिड्यूस द इंटेंस इंटेंस पर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो ग्रुप साइज है, जैसे जैसे ग्रुप साइज बढ़ता जाता है तैसे तैसे उनका जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो क्या हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका पर्सनल इंटरेक्शन वीक होता जाता है, खत्म होता जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि लार्जर ग्रुप्स आर बेस्ड लेस ऑन पर्सनल अटैचमेंट, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो पर्सनल इस तरह से नहीं होते, और ज्यादा क्या होते हैं, दे आर मोर ऑन फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ट्राइड के अंदर या जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं, उनका साइज बढ़ता जाता है, तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होते हैं वो उनके वो किस तरह किस लेवल पे होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, और वो उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, वो वीक होते जाते हैं।